अगर चेयरमैन साहब हस्तक्षेप नहीं करते तो इतना उत्तेजित हो चुके थे बीजेपी वाले और खुद मंत्री पीयूष गोयल कि शायद वो मारपीट भी करते सदन के अंदर। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, ये जेल लाठी मुकदमा, ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना, कोई हम लोग जेल लाठी मुकदमा से डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों की विरोधी है, ये किसी के सगे नहीं है। और ये बदर घुड़की हमने बहुत देखी है तुम लोगों की, इसके चक्कर मत पड़ना। जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में जो कुछ भी किया वो अत्यंत शर्मनाक है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता पक्ष की दबंगई को प्रदर्शित करता है। वो दबंगई क्यों की गई, वो बदसलूकी क्यों की गई, ये बिंदुवार मैं आपको बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक बिल लेकर आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए, यह उनका बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। इस बिल के आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का खून खौलने लगता है, उनको लगता है अरे इस देश के सदन में कैसे ओबीसी के आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिए जाने पर चर्चा हो सकती है। और इस बौखलाहट में वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल जो बदसलूकी, जिस तरह की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में किया, कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब बोल रहे थे उस वक्त जो कुछ भी किया, दलित समाज से आने वाले नीरज डांगी के साथ जो किया, मैं समझता हूं वो बीजेपी के पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर करता है। मैं पूछना चाह और कल अगर सभापति महोदय नहीं होते, अगर चेयरमैन साहब हस्तक्षेप नहीं करते तो इतना उत्तेजित हो चुके थे बीजेपी वाले और खुद मंत्री पीयूष गोयल कि शायद वो मारपीट भी करते सदन के अंदर। ये तो बीच में चेयरमैन महोदय ने हस्तक्षेप किया तब जाकर स्थिति किसी तरह से नियंत्रित हो पाई। आप पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जितनी जनसंख्या पिछड़े वर्ग के लोगों की है उस अनुपात में उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इस पे अगर चर्चा और बहस हो रही है तो आपके सांसद लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, ये कैसे आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं? ये ट्वीट मैंने किया और क्यों किया ये भी आपको दिखाया कि नीरज डांगी जो दलित समाज से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया। मैडम वाइस चेयरमैन जो बैठी हैं चेयर के ऊपर, जो आदिवासी समाज से हैं, वो बार बार रोक रही है बीजेपी के लोगों को, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, उनकी बात नहीं सुने, उनको अपमानित किया, हाउस एजेंट होना पड़ा एक घंटे के लिए। उसके बाद झूठा एलिगेशन मंत्री मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि ये ट्वीट इन्होंने गलत किया, और तब सारी की सारी बीजेपी ऐसे खड़े होकर चिल्लाने लगी
ऐसे टूट पड़ी जैसे अगर चेयरमैन महोदय वहां नहीं होते तो शायद मेरे साथ मारपीट करने के लिए आ जाते वहां सदन के अंदर ही। इनके एक सांसद पीछे से कई सांसदों चीखने चिल्लाने लगे, फिर एक सांसद कह रहे हैं इनको जेल भेजना है, जेल भेजना है। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, ये जेल लाठी मुकदमा ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना, कोई हम लोग जेल लाठी मुकदमा से डरने वाले नहीं है। पिछड़ों के हक की जहां बात होगी, दलितों के हक की बात जहां होगी, आदिवासियों के हक की जहां बात होगी, अल्पसंख्यकों के हक की जहां बात होगी, वंचितों के हक की जहां बात होगी, वहां बोलेंगे, एक नहीं एक हजार बार बोलेंगे। यह आम आदमी पार्टी बनी है समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए। आप हमारा गला दबाने की कोशिश करेंगे वहां पे, हमको बोलने नहीं देंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दलितों पिछड़ों आदिवासियों अल्पसंख्यकों मुसलमानों ईसाइयों सिखों की विरोधी है, ये किसी के सगे नहीं है। और अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और इस बिल का समर्थन एक नहीं एक हजार बार करेंगे। और किसी भी हमारे किसी भी साथी सांसद को भाजपाइयों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए, जब तक मैं सदन के अंदर हूं हमारे किसी भी विपक्षी सांसद को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, सीपीएम का हो सीपीआई का हो आरजेडी का हो शरद पवार जी की पार्टी का हो या शिवसेना का हो या टीएमसी का हो, किसी भी पार्टी के सांसद को या डीएमके का हो, रोक टोक करोगे जबरदस्ती करोगे तो उसके खिलाफ बोलूंगा, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और ये बंदर घुड़की हमने बहुत देखी है तुम लोगों की, इसके चक्कर मत पड़ना। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आपकी पार्टी की और आपकी नीयत साफ है तो इससे बढ़िया और अच्छा बिल कोई नहीं आ सकता, इस बिल को पास कीजिए, आप इसको पास कीजिए। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, कराइए देश के अंदर जातीय जनगणना, पता कीजिए कितने ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके आधार पर आप आरक्षण पास कीजिए। इस बिल का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है, यह दिखाया है कि किस तरीके से वो एक इतने शानदार और अच्छे बिल का विरोध करने के लिए आमादा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।